श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति महिंदा राजपक्षे को राहत, कोर्ट ने विदेश यात्रा पर लगी पाबंदी को हटाया। भारतीय नौसेना के जहाज ने त्रिकोमले का किया दौरा, भारत श्रीलंका संबंध होंगे मजबूत। नकली शराब मामले में तमिलनाडु के राज्यपाल का हस्तक्षेप, राज्य सरकार से मांगी कार्यवाही की रिपोर्ट। पूर्व पाक पीएम इमरान खान पर 60 अरब रुपए के घोटाले का आरोप, जांच एजेंसी के समक्ष आज होंगे पेश। मायावती से पहले एक्टिव हुए अखिलेश यादव, सपा के सांसद और विधायकों को दिए निर्देश। रिजर्वेशन को लेकर आज सीएम संगमा करेंगे बैठक, कई अन्य मुद्दों पर भी हो सकती है चर्चा। यूपी के अलीगढ़ के मंदिर में मुस्लिमों को प्रवेश नहीं, हिंदुओं के लिए ड्रेस कोड, नगर में भी मर्यादा का आग्रह। दिल्ली लखनऊ हाईवे पर ईंट से भरे ट्रॉले से टकराई बस, चालक की मौत, 45 से ज्यादा सवारी घायल। मोदी को हराना है तो विपक्ष का लाना होगा बड़ा चेहरा, कांग्रेस नेता प्रमोद कृष्णम ने की पीएम मोदी की तारीफ और बताए उम्मीदवारों के नाम। निकाय चुनाव के नतीजों से तय होगा बीजेपी सांसदों का लोकसभा का टिकट, बगावत और खराब प्रदर्शन करने वालों पर फोकस। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।